तब से लेके अब तक मैंने बहुत ख्वारियाँ की हैं यार। मैंने ज़माने के बहुत धक्के खाए हैं, मैंने बीफ बर्गर खाए हैं, मैंने घर के बने हुए खाने छाने खाए हैं, और अभी भी यहाँ पे बैठ के मैं मैंगो शेक पी रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुज़िश्ता ईद मुबारक। ईद का तीसरा दिन है, हुज़ैफ़ा साहब हमसे ईद मिलना है। पहले दो दिन हम दोनों को तौफीक नहीं हुई, हम गोश्त जमा कर रहे हैं मसरूफ है। आज हम वीडियो जो कर रहे हैं वो बेसिकली आइडिया हुज़ैफ़ा का है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट हम दोनों कर रहे हैं। तो टॉपिक ये है कि एक बंदा जो कि फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता है, वो मार्केट से जाके कैमरा तो खरीद लेता है जिसके ऊपर लेंस चेंज हो जाता है। अब बात आ जाती है कैमरे की सेटिंग्स की, कैमरे में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो उस बंदे को समझ आ जाएं तो वो कम टाइम में एक बेहतर फोटोग्राफर बन सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल सी तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2010 में मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी, तब से लेके अब तक मैंने बहुत ख्वारियाँ की हैं यार। मैंने ज़माने के बहुत धक्के खाए हैं, मैंने बीफ बर्गर खाए हैं, मैंने घर के बने हुए खाने छाने खाए हैं, और अभी भी यहाँ पे बैठ के मैं मैंगो शेक पी रहा हूँ। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप आज जाके कैमरा ख़रीदते हैं तो आपको 10 साल ना लगें इस स्टेज पे पहुँचने में, बल्कि आप वो थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज साथ लेके अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें और जल्द से जल्द एक अच्छे फोटोग्राफर बनें। ऐसा ही क्या बताना इनको, सब बता दें। चलो सही है, सब बताते हैं जनाब। हमें ऑर्डर आया कि हम आपको सब कुछ बता दें बेसिक्स। सबसे पहले आए थे फोटोग्राफी होती क्या। अगर हम एक वर्ड में फोटोग्राफी को एक्सप्लेन करना चाहें तो शायद आप थोड़े से जो है वो परेशान हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा। फोटोग्राफी इज लाइट, दैट्स इट, इट्स दिस सिंपल। या अब हम आते हैं कैमरे की तीन चीज़ों की तरफ। सबसे पहले हम आ जाते हैं शटर स्पीड की तरफ। बेसिकली कैमरे के अंदर जो एक सेंसर लगा हुआ होता है उसके आगे एक शटर होता है, जिसका काम ये होता है कि जब आप शटर बटन प्रेस करते हैं तो सेंसर के आगे से हटता है और वापस आगे सेंसर को बंद कर देता है। तो जितनी देर के लिए वो उससे हटा रहता है उसको एक तो हम शटर स्पीड कहते हैं। उससे होता क्या है कि ड्यूरेशन एक डिफाइन हो जाती है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए सेंसर के ऊपर लाइट पड़ रही है। नाउ दिस थिंग हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द एक्सपोजर ऑफ योर शॉट। या तो वो अंडर एक्सपोज होगी, या वो ओवर एक्सपोज होगी, या वो परफेक्टली एक्सपोज होगी। चलो अब दूसरी बात की तरफ आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है दूसरी बात ना हम किसी और जगह जाके कर लेते हैं, यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा है भाई। रोलिंग जनाब, बात करते हैं अपर्चर की। क्या होता है अपर्चर? अपर्चर इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ लाइट यू आर अलाउइंग ऑन योर सेंसर। आपके लेंस का डायमीटर होता है, उसके अंदर बहुत सारे ग्लास एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं। अब आप जैसे जैसे अपर्चर को क्लोज करते जाते हैं वैसे वैसे आपके सेंसर के ऊपर लाइट कम पड़ती है, और जैसे जैसे आप अपर्चर को ओपन करते जाते हैं वैसे वैसे लाइट सेंसर के ऊपर ज़्यादा पड़ रही होती है। अब इस फिनोमेना को अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप अपनी आँख के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं। रात के टाइम अगर आपके पास कोई बिल्ली वगैरह मौजूद है, आप अगर उसकी आँखों में अपनी फ़ोन की टॉर्च मार के देखते हैं तो आपको उसकी आँख का अपर्चर ओपन होता हुआ नज़र आएगा। सेम यही फिनोमेना कैमरे के साथ भी होता है। तो दिस इज़ द अपर्चर ऑफ द कैमरा। अब हम बात करते हैं आईएसओ की, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी मच्छर बहुत ज़्यादा हैं तो अब हम चलते हैं एक और जगह। अच्छा, अब हम ज़रा मच्छरों से हट के बैठे हैं ताकि हम आईएसओ पे थोड़ी सी डिटेल में बात कर सकें। आईएसओ बेसिकली डिजिटल एनहेंसमेंट है लाइट की। जिस तरह आप एक तस्वीर खींचते हैं उसके बाद उसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेकर जाते हैं और ब्राइटनेस का स्लाइडर खींच के उसको ब्राइट करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली आईएसओ भी यही काम करता है। वो डिजिटली आपके इमेज की ब्राइटनेस को इनक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सेंसर्स बहुत एडवांस हो गए हैं,
कैमराज के अंदर जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। तो होता ही है कि कैमरे के अंदर जब आप ISO इंक्रीज करके अपनी ब्राइटनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो इमेज की क्वालिटी पे इतना बुरा इंपैक्ट नहीं डालती जितना आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर उसको ब्राइट करने की कोशिश करें, तब आपका इमेज ख़राब हो जाता है। आज की वीडियो क्योंकि कैमरा बेसिक्स के बारे में थी तो इसलिए अपर्चर, शटर स्पीड, ISO और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स फोटोग्राफी के जिनके ऊपर हमने आज बात नहीं की, इनके ऊपर इंशाल्लाह हम फ्यूचर में डिटेल से हर टॉपिक पर बात करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से टॉपिक में, और हम इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, मुझे यहाँ पे भी मच्छरों ने आ घेरा। अल्लाह हाफिज़। ओए 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 ओए, मेरी नज़रों के सामने मुझे काट रहे हैं। आप जो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं बाहर एटमॉस्फेयर से, ISO उसको एबनॉर्मली बढ़ा या कम कर सकता है, कम तो नहीं कर सकता।